नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपलएससी से जुड़े अपडेट के साथ साथ हम यूपी ट्रिपलएससी के कोर्स को भी कंप्लीट कराते हैं, और हमने जो क्लास शुरू की है वो की है जूनियर असिस्टेंट के लिए, जो 5512 वैकेंसी है, और साथ ही साथ जितनी भी वैकेंसी में आपकी हिंदी आती है उसके लिए हमने हिंदी की क्लास शुरू की है, जो कि आपको 30 नंबर की वो क्लास है और बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए योग्य हो सकती है। और आज जो हमारी क्लास है तो हमने 30 मिनट का शो किया है, यानी कि 30 मिनट में हम कराएंगे। एक क्लास 30 मिनट की होगी। अभी क्लास नंबर एक है, टॉपिक है हिंदी, और वर्णमाला के क्लास नंबर एक आपकी रहेगी। और ये आपको प्रतिदिन सुबह 10 बजे क्लास जो है देखने को मिलेगी। कितने बजे? ये 10 बजे आपको क्लास देखने के लिए मिलेगी। और हमारा टारगेट है 5512 कनिष्ठ सहायक जो पोस्ट है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको बातों के बारे में, मतलब पढ़ा तो होता है परंतु हमें याद कैसे रखना है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सीधे एग्ज़ाम में जो हमें देखने को मिलती हैं, और हमें उन बातों को क्रम से किस तरीके से सजाना है। मैं मानता हूँ कि हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, परंतु इतना भी ईजी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा कि 30 में से 30 हम लेकर आएँ। कितने लेकर आएँ? 30 में से हम जो आपकी तैयारी कराएँ वो 30 में से 30 की हम आपकी तैयारी कराएँ, जिसमें कि आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं अपना सेशन, ठीक है। ठीक है भाई, अब शुरू जो करते हैं सेशन को, वो हम शुरू कर रहे हैं वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला, ठीक है भाई, वर्णमाला हम शुरू करते हैं, और वर्णमाला में ही हमें अब आगे काम करना है, ठीक है भाई। चलिए, अब पहली बात तो ये है कि वर्णमाला किससे मिलकर बना है, तो ध्यान देंगे। वर्णमाला जो मिला है, वर्ण प्लस के माला, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। वर्ण मतलब होता है, वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, ठीक है। और माला का मतलब होता समूह, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे फिलहाल में अभी, परंतु इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है पहली बात यह आती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। तो अलग अलग परिभाषाएं होती हैं वर्णमाला की। जैसे कहीं जा कहा था, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियम की व्यवस्थित पद्धति को वर्णमाला कहते हैं। यानी किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियम की व्यवस्थित पद्धति को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो हम यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं, हम यहाँ परिभाषा क्या लिख सकते हैं, हमारी परिभाषा क्या रहेगी, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियम की व्यवस्थित पद्धति को वर्णमाला कहते हैं, को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, नोट इन पॉइंट करके लिख सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला कहते हैं। तो हम इसे भी कह सकते हैं, यहाँ से इतना भी समझ सकते हैं, मतलब क्या है यहाँ पर, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियम की व्यवस्थित पद्धति को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बात आती है कि वर्णमाला जो है वो कहाँ से मिली। अगर हम सबसे पहला जिक्र जो करते हैं वर्णमाला कहाँ से मिली, तो बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला जो है सबसे पहले जो है वो किससे, संस्कृत
भाषा से मिली, ठीक है, हिंदी वर्णमाला। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा भी कहाँ से, यानी कि वर्णमाला किसकी देन है, वर्णमाला है पाणिनि की, वर्णमाला किसकी देन है, पाणिनि की, ठीक है। और किससे, महेश्वरी, महेश्वरी सूत्रों से, महेश्वरी सूत्रों से, जिनकी संख्या कितनी होती है 14, से संस्कृत प्रथम वर्णमाला, प्रथम वर्णमाला, प्रथम वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला आई। इनकी कहानी कभी और बताएंगे महेश्वरी सूत्रों की, ठीक है। अब देखिए इकाई क्या होती है, समझ गए नहीं। अब पहला क्या होता है, पहला हमारी संस्कृत होती है, संस्कृत हुई, फिर उसके बाद में क्या हुई आपकी, वो आपकी पाली हुई, पाली के बाद में फिर क्या हुई आपकी, प्राकृत हुई, प्राकृत के बाद में क्या हुई अपभ्रंश हुई, क्या हुई अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या हुई अवहट, क्या हुई अवहट, और फिर बाद में जो आई वो आपकी आई हिंदी, ठीक है। तो ये चीज़, ये क्रम था, इतना समय लगा इसको, ठीक। वर्णमाला संस्कृत भाषा से आई है, वर्णमाला जो है पाणिनि की देन है, महेश्वरी सूत्रों से वर्णमाला मिली है 14, जिसमें से अगर इन 14 सूत्र की बात करें तो चार होते हैं अच, चार होते हैं अच और 10 होते हैं हल, 10 होते हैं हल। अच को कहते हैं स्वर, अच को कहते हैं स्वर, हल को कहते हैं व्यंजन, क्या कहते हैं हल को, व्यंजन कहते हैं, ठीक है भाई। इतनी चीज़ समझ गए होगे आप सब लोग, इतनी बात समझ गए होगे। आधुनिक वर्णमाला जो दी है, आधुनिक वर्णमाला जो दी है वो किसने दी है, कामता प्रसाद गुरु ने, ठीक है। आधुनिक वर्णमाला किसने दी है, कामता प्रसाद गुरु ने, ठीक है भाई। इतनी बात आप नोट कर लेना, ठीक है, इतनी बात तुम नोट कर लेना। चलिए इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे अगर हम बात करें बेटा, इससे आगे अगर हम बात करें तो व्याकरण को जो है, व्याकरण को चार अंगों में बांटा गया है, किसमें, व्याकरण को चार अंगों में बांटा गया है, ठीक है। अब चार अंग कौन कौन से होते हैं, चार अंग कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है, एक सेकंड, पहला जो होता है वो होता है वर्ण विचार, क्या होता है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, शब्द विचार, ठीक है। तीसरा जो होता है वो आपका होता है आपका पद, सॉरी वाक्य विचार, क्या होता है वाक्य विचार। और चौथा जो होता है वो आपका होता है छंद विचार, क्या होता है छंद विचार। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो वर्ण विचार क्या होता है, वर्णों के उच्चारण और स्वरूप का जिक्र किया जाता है, यानी कि जहाँ पर वर्णों के उच्चारण व स्वरूप को दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार क्या होता है, जहाँ शब्दों के भेद रूप में उत्पत्ति, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति भेद रूप प्रयोग और अर्थ बताए जाते हैं, उन्हें कहते हैं शब्द विचार। वाक्य विचार जो होते हैं, जहाँ वाक्यों का निर्माण और प्रयोग हो सके, यानी कि जहाँ वाक्यों का निर्माण व प्रयोग हो सके, ठीक है भैया, यहाँ पर बोलते हैं इसको। अगर आगे बात करते हैं छंद विचार क्या होता है, तो जहाँ पर साहित्य रचनाओं का विमोचन हो, जहाँ पर क्या होता है साहित्य रचनाओं का विमोचन हो, क्या हो विमोचन हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। तो एक बार समझ लेंगे व्याकरण के कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं, वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है, वाक्य विचार होता है, छंद विचार होता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का उच्चारण स्वरूप जो होते हैं सब क्या होते हैं, वर्ण विचार में आते हैं, वाक्य के बारे में बात जो आती है वो वाक्य में आते हैं, ये व्याकरण को बांटा गया। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ण विचार, क्या पढ़ना बच्चा, वर्ण विचार पढ़ना। और वर्ण विचार में जो होता है, वर्ण विचार में ही हमारी क्या आती है, वर्णमाला
आती है। तो हमारा जो पहला रहेगा वो क्या रहेगा, वर्ण विचार रहेगा, वर्ण विचार क्या रहेगा, वर्ण विचार रहेगा। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो वर्ण विचार क्या होता, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होता है, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोन, फोन बोलते हैं। अब भाषा क्या होते हैं, भाषा के अंक कितने होते हैं, अगर हम यहाँ से बात करें भाषा के अंक, भाषा के अंक तो ये भी हमें पता होना चाहिए, भाषा के अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, चार होते हैं, भाषा के अंग चार होते हैं। एक तो होता है स्वैनिक, एक कौन सा होता है, स्वैनिक होता है, स्वैनिक बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्वैनिक या सैनिक, क्या बोलते हैं, स्वैनिक या सैनिक, ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, ध्वनि, ठीक है, क्या बोलते हैं, ध्वनि। ध्वनि बेटा दो प्रकार की होती हैं, ध्वनि जो होती हैं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खंड ध्वनि और एक होती है खंडेतर ध्वनि, खंड ध्वनि और दूसरी जो होती है क्या होती है, खंडेतर, खंडेतर ध्वनि, ठीक है, खंड ध्वनि और खंडेतर ध्वनि क्या होती है उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए खंड ध्वनि क्या होती है, पहले एक विचार हो गया सैनिक, दूसरा जो होता है वो क्या लिखते हैं, दूसरा जो होता है वो होता है रूप, क्या होता है, रूपमा, रूपीमा, रूपीमा को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं बेटा, रूपीमा को हम कहते हैं शब्द, क्या कहते हैं, या तो हम इसे शब्द कह देते हैं या फिर हम इसे कह देते हैं पद, ठीक है, बातों को समझेंगे, ठीक है। तीसरी बात अगर हम यहाँ बताएं, देखें तीसरी बात जो हम यहाँ देखेंगे तो तीसरी बात होती है आपका वाक्य, वाक्य, चौथी जो वाक्य चीज़ होती है, चौथी जो चीज़ होती है वो होता है अर्थ, क्या होता है, अर्थ होता है, क्या होता है बेटा, अर्थ होता है, ठीक है। अब बात आती है खंडेतर ध्वनि क्या होती है, अगर हम बात करें खंड ध्वनि क्या होती है, तो खंड ध्वनि, खंड ध्वनि वो होती हैं जिनका अपना एक स्वरूप होता है, जो अपने आप बोली जाती हूँ, जैसे आपका अपना भी अस्तित्व हो, जैसे ए आ ई, ये सब क्या होती है, खंड ध्वनि। खंडेतर ध्वनि कौन सी होती हैं, खंडेतर ध्वनि कौन सी होती हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व ना हो, जैसे चंद्रबिंदी आ गया, अनुस्वर आ गया, क्योंकि अगर मैं चंद्रबिंदी में से आ ख़त्म कर दूँ तो चंद्रबिंदी का अपना कोई स्वरूप नहीं होता, अगर विसर्ग में से ए हटा दूँ तो इसका विसर्ग का कोई रूप नहीं होता, इनके हम क्या कहते हैं, खंडेतर और खंड ध्वनि कहते हैं, ठीक है बेटा। इतनी बात आ चुकी है, इतनी बात समझ आ चुकी है, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है, भाषा के अंग चार होते हैं, स्वैनिक होता है, रूपिमक होता है, वाक्य होता है, अर्थ होता है, ध्वनि खंड ध्वनि कहलाती है, अखंडेतर दो प्रकार की ध्वनि होती हैं, ठीक है। भाषा के अंग जो होते हैं वो चार होते हैं, हमने ये बात भी बता दी है आपको, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या है आपका, आगे बात करते हैं कि ध्वनि के लिखित स्वरूप जो होते हैं, ध्वनि के जो लिखित स्वरूप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, या लिखित स्वरूप को ही हम जो कहते हैं वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है वर्ण क्या होता है, सबसे पहले आती है वर्ण क्या होता है, तो भाषा के, भाषा के या ध्वनि कह दो, क्या कह दो, भाषा कह दो या ध्वनि कह दो, ध्वनि कहना उचित रहेगा यहाँ पर, ध्वनि के लिखित, लिखित स्वरूप को, लिखित स्वरूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, लिखित स्वरूप को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित समूह को, समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में कुल, हिंदी की वर्णमाला में ऐसा लिख सकते हैं, हिंदी की वर्ण माला में कुल वर्ण, कुल वर्ण कितने हैं, 52 है, कुल वर्ण कितने हैं बेटा, 52 है, जिसमें मूल कितने हैं, मूल जो है वो कितने हैं, 33 हैं। 33 को अगर हम कन्वर्ट करें, 33 को अगर हम कन्वर्ट करें तो इसमें क्या होता है समझिए, 25 जो होते हैं, 25 जो होते हैं स्पर्शी होते हैं, ठीक है, 25 स्पर्शी होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ या उत्क्षिप्त,
क्या होते हैं? उत्क्षिप्त, ठीक है। और चार जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके संयुक्त, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त, संयुक्त होते हैं। तो 33 हो गए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में अगर 33, सॉरी उष्म, यहाँ जो होते हैं उष्म होते हैं, संयुक्त उष्म, संयुक्त क्या होते हैं? उष्म, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो चार जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। चार जो होते हैं हमारे संयुक्त होते हैं। दो की बात करें तो द्विगुण होते हैं। द्विगुण क्या होते हैं? द्विगुण, यहाँ पर उच्छिप्त, यहाँ उच्छिप्त को द्विगुण बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? अंतस्थ। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? द्विगुण या उच्छिप्त, क्या बोलते हैं? उच्छिप्त। दो हो गए, ठीक है। 11, दो अयोग्यवाह होते हैं। दो अयोग्यवाह, अयोग्य बाह होते हैं। और दो जो होते हैं आपके, सॉरी दो हो, 11, 11 जो होते हैं वो स्वर होते हैं। 11 जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इस तरीके से मिलकर जो आपके बनते हैं वो कितने बनते हैं? 52 वर्ण यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। 52 वर्ण यहाँ पर बनते हैं बेटा, इतनी बात आपको याद रख लेनी है, क्लियर। चलिए, अगर बात यहाँ नोट करके करें स्वरों की, अगर हम बात करें, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? हम डालेंगे स्वर, क्योंकि वर्णमाला में दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें तो हम जो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे? स्वर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है? स्वर क्या होता है? स्वर किसे कहते हैं, समझिए नहीं, स्वर क्या होते हैं? तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें उन्हें स्वर कहते हैं, स्वर कहते है बेटा। पहली बात तो ये, ठीक है। अगर बात करें उच्चारण व मात्रा के आधार पर, उच्चारण व मात्रा के आधार पर, स्वर कितने होते हैं? तो हम बात करेंगे कितने होते हैं उच्चारण पर? 10 होते हैं। कितनी बात करेंगे बेटा? 10 होते हैं, ठीक है। उच्चारण में कितने होते हैं? 10 होते हैं। जबकि लेखन के आधार पर, जबकि लेखन के आधार पर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। जबकि अयोग्य वह वह अनुस्वर सहित इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इनकी संख्या क्या होती है? 13 होती है। ये हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? 13 होती है, इनका हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो स्वर क्या है? देखिए, एक तो आपका ए होता है, ठीक है, एक आ होता है, एक ई, एक बड़ी ई आपका एक ए, ठीक है, एक बड़ा ए आपका ओ, फिर एक आपका बड़ा ओ, फिर आपका रेड भी लिख देते हैं ऐसा लास्ट में लिख देंगे, वैसे तो बाद में आएगा। तो 5 और 4 9 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऊ छूट गया, चलो यहाँ से शुरू से लिख लेते हैं। क्या होता है? ए आ ई ई ऊ ऊ रिर, ठीक है, ए ए, ठीक है, ओ और बड़ा ओ, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो एक होता है आपका अनुस्वर, इसे कहते हैं आप क्या कहते हैं इसको? अनुस्वर। इसे कहते हैं अनु, इसे कहते हैं विसर्ग, विसर्ग या काकल्य, काकल्य बोलते हैं, ठीक है भैया। एक होता है आपका अंग, जिसे क्या कहते हैं? अनुस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोलते हैं, ठीक है भैया, अनुस्वर बोलते हैं। अगर मैं इनका उच्चारण बोलूं, उच्चारण बोलूं स्वरों का, तो ए और आ का उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है? कंठ्य से। अगर बात करूँ ऊ और ऊ का उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है? ओष्ठीय से। कहाँ से होता है? ओष्ठीय से। ई और ई का उच्चारण जो होता है बेटा वो कहाँ से होता है? वो होता है तालव्य से। कहाँ से होता है? तालव्य से। अगर मैं ए और ए का, तो कहाँ से होता है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। अगर हम बोलूँ बेटा ओ और बड़े ओ का जो होता है वो कहाँ से होता है? तो वो होता है कंठ
कंठ ओष्ठा, कंठ ओष्ठ्य से ऋषि जो होते हैं, ऋषि महाराज, इनका जो होता है वो कहाँ से होता है? इनका होता है मूर्धा से, मूर्धा से, मूर्धन्य जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें तो अंग का जो होता है, अंग का कहाँ से होता है? अनुस्वर से, अनुस्वर से उच्चारण। अगर हम बोलें अंग है का उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है? काकल्य से। कहाँ से होता है बेटा? काकल्य से। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए और ई से मिलकर बनता है ए, और ए और ऊ से मिलकर बनता है ओ। ठीक है, इस वजह से ये हमारे जो होते हैं कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ्य होते हैं, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ होते हैं। इतनी बात आप निकलेंगे, अच्छे से बढ़िया तरीके से लिख लेंगे, ईमानदारी से। ठीक है भैया, बढ़िया तरीके से लिख लेंगे, ईमानदारी से लिख लेंगे, फुर्ती से। ठीक है, चलिए इससे बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण जो किया था वो कितने आधार पर किया था? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो होता है उच्चारण में मात्रा के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था? उच्चारण में मात्रा के आधार पर। देखिए, उच्चारण व मात्रा के आधार पर, ठीक है भाई। तो पहला जो किया जाता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर, उत्पत्ति या मात्रा के, उत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हैं, उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर भी कह सकते हैं। फिलहाल में अगर हम इसको पूरी तरीके से एक ही बार में लिख दें, क्या लिख दें कि वर्गीकरण करते समय हम क्या लिख दें, केवल एक ही बात लिख दें, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, और सबसे पहले क्या लिखें? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, दूसरा जो होता है वो जीभ के आधार पर। किसके आधार पर होता? जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर। ठीक है, तीसरा जो होता है वो क्या होता है? पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हो गया जीभ के आधार पर, ठीक है, तीसरा जो होता है मुख विवर खुलने के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख विवर खुलने के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर। ठीक है, तीसरा होता है होठों की आकृति के आधार पर, होठों, चौथा होठों की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर। पांचवा जो होता है वो होता है हवा मुख व नाक से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर। फिर क्या होता है? फिर होता है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। ठीक है भैया, तो ये ही होते हैं उच्चारण। फिर एक होता है उच्चारण व उच्चारण स्थान के आधार पर। कौन सा होता है? एक होता है उच्चारण, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, फिर एक आपका होता है प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, चलिए ये होते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके लिखते हैं। क्या होता है सबसे पहला हमारा? वो होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार, आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। क्या होते हैं ये? दो प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। एक तो होता है आपका ह्रस्व, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है संयुक्त। ठीक है, कहीं कहीं वो मात्रा के आधार पर आ जाएगा, वो जो आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर आएगा, तीन जो आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर जा जाएगा, फिर यहाँ पर आपका मात्रा के आधार पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? ये क्या होता है आपका, समझिए। सबसे पहला अगर हम देखें तो एक होता है ह्रस्व स्वर, हिरस्वर एक होते हैं आपके, एक आपका हिरस हो गया, आपने देखा होगा एक का दीर्घ होता है, दीर्घ होता है, या व्युत्पन्न स्वर होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्पन्न स्वर, या हम इसे कह सकते हैं संधि स्वर, संधि स्वर।
हिरस्य स्वर जो होते हैं इनकी संख्या चार होती है, क्या होते हैं? ए होता है, ई होता है, उ होता है और ऋण होता है। ठीक है, ये हिरस्य स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो है उच्चारण करते समय कम समय लगे, यानी कि क्या लगे, कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दीर्घ और एक होते हैं संयुक्त। एक होते हैं दीर्घ और एक होते हैं संयुक्त। संयुक्त दीर्घ में कौन कौन से होते हैं? दीर्घ में होता है आ, दीर्घ में होता है ई और होता है उ। इन्हें क्या कहते हैं? हम बोलते हैं सहजातीय। क्या बोलते हैं? सहजातीय। इन्हें क्या बोलते हैं? विजातीय। विजातीय कितने होते हैं? ये चार होते हैं। ए होता है, ओ होता है और बड़ा ओ होता है। ठीक है भैया, नोट कर लो इनको, ये भी होते हैं इस आधार से। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, आगे जो होते हैं वो जीभ के आधार पर। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? जीभ के आधार पर। तो क्या होते हैं? एक होता है अग्रस्वर, फिर होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। तो जीभ के जो अगले भाग से बोले जाते हैं उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जीभ के जो मध्य भाग से बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जीभ के जो पिछले भाग से बोले जाते हैं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो आगे जो बोले जाते हैं वो क्या बोले जाते हैं? आपके मध्य जो बोला जाता है आ। ठीक है, जीभ के से ई ई ए ए। ठीक है, ई ई ए ए। मध्य में आपका आ जाएगा यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर भी ओ आ जाएगा बड़ा। तो ये होते हैं आपके यहाँ ऋषि आ जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर तीसरा रूप देखें तो मुख विवर खुलने के आधार पर। क्या होता है तीसरा? मुख विवर खुलने के आधार पर। बहुत जल्दी से कराएंगे हम इसको। एक होते हैं अर्ध संवृत, फिर होते हैं एक आपके विव्रत, एक होते हैं आपके अर्ध विव्रत। ठीक है भाई, ठीक है, ये क्या होते हैं समझिए। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो है मुख पूरी तरीके से बंद हो जाए, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं उनको कहते हैं संवृत। इस संवृत का मतलब होता है क्लोज। तो क्या होते हैं? एक तो ऊ होता है, ई होता है, ई होता है। तो कौन कौन से होते हैं ध्यान देंगे। एक तो आपका होता है ई, एक होता है ई, एक होता है ऊ और एक होता है ऊ। अगर हम अर्ध स्वर की बात करें तो जब मुँह खुले तो आधा मुँह खुले, ठीक है, तो एक तो होता है ए और एक होता है ओ, यानी कि एक तो होता है ए और एक होता है आपका ओ। ठीक है, विव्रत जो होता है, विव्रत वो होता है जिसमें पूरा मुँह खुल जाए तो वो क्या होता है आपका आ। क्या होता है? अब यहाँ पर क्या बचा? ए बचा है, फिर बड़ा ए बचा है और बड़ा ओ बचा है। ठीक है, ये होते हैं। तो संव्रत होते हैं, अर्ध संव्रत हो गए, विव्रत हो गए, अर्ध विव्रत हो गए। इतनी बात क्लियर नहीं बताइए। चलिए, चौथा होता है होठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति के आधार पर। ठीक है, तो दो होते हैं होठों की आकृति के आधार पर भी। एक तो होते हैं व्रतमुखी, एक होते हैं अव्रतमुखी। ठीक है भैया, व्रतमुखी इन्हें कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख जो है होठों की आकृति वृत्ताकार हो जाए, तो उन्हें व्रतमुखी कहते हैं। जैसे कि ऊ ऊ ओ ओ, ठीक है, और ये भी एक होता है आगत। ये कौन सा होता है? आगत। ठीक है, आगत होता है। इसके बाद में अव्रतमुखी, आपका ए हो गया है, आ हो गया है, ई हो चुका है, ई हो चुका है, ए हो चुका है, ए हो चुका है और ऋषि हो चुके हैं। तो इन्हें क्या है? उच्चारण करते समय जो है आकृति अव्रत हो जाएगी, यानी कि व्रत्ताकार नहीं होगी, अव्रत हो जाएगी। ठीक है भैया, अव्रत हो जाएगी। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर।
उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, या मात्रा के आधार पर, या तो मात्रा के आधार पर, उच्चारण आधार पर, ठीक है। ये देखिए, तो उच्चारण आधार पर, उच्चारण के आधार पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएंगे कंठीय, कंठीय। तो कंठीय कौन कौन से होते हैं, एक तो ए होता है और एक आ होता है, फिर एक आ हो जाएगा तालव्य, तालव्य, तालव्य में एक ई हो जाएगी, एक ई हो जाएगी, फिर आपका आता होता है ओष्ठीय, तो ओष्ठीय में क्या हो जाता है, ऊ हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है, बड़ा ऊ, ठीक है। अब आ जाएगा कंठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, तो ये आपका हो जाएगा छोटा ए और बड़ा ए, ऐसे ही हो जाएगा कंठ ओष्ठीय, कंठ ओष्ठीय, तो क्या हो जाएगा आपका, छोटा ओ और बड़ा ओ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में होता है अनुस्वर, अनुस्वर में क्या हो जाएगा, अंग, फिर इसका हो जाएगा काकल्य, काकल्य, यह आ जाएगा अंग। तो ये हो गए आपके यहाँ से उच्चारण के आधार पर, ठीक है बेटा, क्लियर, इतना बढ़िया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अगर आगे बात करते हैं तो मुख द्वार खुलने के आधार पर, किसके मुख द्वार खुलने के आधार, या नाक मुंह से हवा निकालने के आधार पर, नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर, तो यहाँ पर क्या होते हैं समझिए, एक तो होते हैं आपके मौखिक, मौखिक होते हैं जिन्हें हम निर्नुनाशिक कहते हैं, तो ये तो होते हैं आपके, ये तो होते हैं समस्त, समस्त स्वर, ठीक है। एक होते हैं अनुनाशिक, अनुनाशिक, तो इसमें क्या होता है, समस्त स्वरों पर, समस्त स्वरों पर चंद्र बिंदु, क्या होता है, चंद्र बिंदु, तब ये बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं आपके, ना अनुस्वर या अनुनासिक स्वर, ठीक है। इतनी बात यहाँ से या रखना, मौखिक भी कहते हैं ये भी, ठीक है। घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, रह गए, ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, आधार पर क्या होते हैं, सघोष, सघोष होते हैं, यानी कि समस्त स्वर, ठीक है। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर जो होते हैं, क्या होते हैं आपके, एक तो होते हैं अल्पप्राण और एक होते हैं महाप्राण, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्पप्राण आ जाएगा, अल्पप्राण, तो अल्पप्राण में क्या होता है, समस्त स्वर, समस्त स्वर, ठीक है, क्या होते हैं, अल्पप्राण। तो दोस्तों हमने कोशिश करी थी आपको वर्णमाला बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ाने की, जिससे कि रिवीजन आपका हो सके, और ये हमारा 30 मिनट का सोया, अगर एक दो मिनट ऊपर भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारी इसी तरीके की क्लास चलेगी, जो आपकी रिवीजन क्लास होगी, बहुत अच्छे से क्लास चलेगी, ठीक है। ऐसी क्लास देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, तो मिलते हैं डेली सुबह को 10 बजे आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।